नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इनसाइडर लाइव के टॉप न्यूज सेगमेंट में और मैं हूँ आपके साथ ज्योति शर्मा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो को मिशन चंद्रयान 3 के तहत बड़ी सफलता हाथ लगी है। इसरो ने C20 क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है। चंद्रयान 3 के लिए लॉन्च यान क्रायोजेनिक के ऊपरी चरण को ये मजबूती देगा। अडानी समूह के शेयरों में शानदार तेजी के बावजूद लगातार 8वें ट्रेडिंग सेशन में भारतीय शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। आईटी, एनर्जी और फार्मो शेयरों में मुनाफा वसूली के चलते ये गिरावट रही। आज का कारोबार खत्म होने पर बीएसआई सेंसेक्स 326 अंकों की गिरावट के साथ 59,000 के नीचे 58,962 अंकों पर बंद हुआ है, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस का निफ्टी 89 अंकों की गिरावट के साथ 17,303 अंकों पर बंद हुआ है। बिहार विधानसभा में आज वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बजट पेश किया। आगामी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य सरकारों ने युवाओं और महिलाओं को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया है। युवाओं के लिए बंपर नौकरी का ऐलान किया गया है। बिहार का बजट पिछले 19 सालों में 10 गुना बढ़ गया है। वर्ष 2023-24 का बिहार बजट 2,61,885 करोड़ रुपए है। बिहार सरकार की नाकामी को आम लोगों तक पहुंचाने और समाजवादियों की विरासत को बचाने के लिए उपेंद्र कुशवाहा आज से विरासत बचाओ नमन यात्रा पर निकल चुके हैं। यात्रा का शुभारंभ के मौके पर उपेंद्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और महागठबंधन की सरकार पर जोरदार हमला बोला है। कुशवाहा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपने घर में उत्तराधिकारी नहीं दिख रहा है। नीतीश कुमार उस पड़ोसी के घर में अपना उत्तराधिकारी ढूंढ रहे हैं जिसने बिहार को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। IRCTC घोटाला यानी जमीन के बदले रेलवे में नौकरी देने के मामले में राउज रेवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती समेत 14 आरोपियों को समन जारी किया है। कोर्ट की इसी कार्रवाई पर बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। राबड़ी देवी ने कहा कि बिहार में पीएम नरेंद्र मोदी लालू यादव से डर रहे हैं, इसलिए वे हमें बांधना चाहते हैं, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं। कभी गैर कानूनी शादी तो कभी धोखेबाजी, ड्रामा क्वीन कही जाने वाली राखी सावंत अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर आए दिन सुर्खियों में रहती हैं। हाल ही में राखी ने पति आदिल खान दुरानी पर कई सारे आरोप लगाकर उन्हें जेल भिजवा दिया था। राखी आदिल को लेकर एक के बाद एक खुलासे कर रही हैं। अब एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर अपने दिल का हाल बयां किया है। राखी ने कहा कि चाहे जो भी हो जाए वह आदिल को तलाक नहीं देंगी, अगर वह ऐसा करते हैं तो वह उन पर एक के बाद एक कई केस करेंगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें इनसाइडर लाइव।